गवर्नर जनरल जो है वो एक आप यूं समझ लें कि सब कॉन्टिनेंट में उसका रोल एक पॉलिसी मेकिंग रोल था और वो फैसले जो है काउंसिल उसको असिस्ट करती थी लेकिन इन फैसलों को एग्जीक्यूट कौन करता था नैचुरली नीडेड सिविल सर्वेंट्स हु वुड इम्प्लीमेंट देयर डिसीजंस सो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चर क्या थी दो तरह के सिविल सर्वेंट्स थे एक कोविनेटिड और दूसरे अनकोविनेटेड जो ऑफ़ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते थे इस कोविनेटेड और अनकोविनेटिड सिविल सर्वेंट्स में मिलिट्री भी थी मिलिट्री तीन तरह की सर्विसेस थी सिविल सर्वेंट्स मिलिट्री नेवी एंड एक्लेटिकल सर्विसेस ये जो लास्ट सर्विस है इसका मकसद ये था कि जहाँ पर जितने भी ब्रिटिशर्स uh, हैं और चूंकि वो यहां पे काफी साल तक रहते थे तो उनकी बर्थ डेथ मैरिज इस तमाम रेकर्ड, रेकर्ड को ये सर्विस जो है मेंटेन किया करती थी अब जो कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स थे ख्वाह वो सिविल थे या मिलिट्री में थे या नेवी में कोवेनेंटेड जो थे असल में कोवेनेंटेड का मतलब होता है जिन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन किया हो तो कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट जो थे वो एग्रीमेंट साइन करते थे बाकायदा तौर पे अपनी सर्विस की टर्म्स और कंडीशंस का और जो अनकोविनेटेड थे वो अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज का कोई एग्रीमेंट साइन फॉर्मली साइन नहीं किया करते थे आमतौर पर ये था कि चूंकि वो साइन नहीं करते हैं लिहाजा वो उनको अनकोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स कहा जाता था एक चीज़ जो इसमें जो डिफरेंस था वो कोवेनेंटेड में और अनकोविनेटेड में कि ये पोजीशंस जो कोवेनेंटेड पोजीशंस थी वो आमतौर पे जो सीनियर पोजीशंस थी वो कॉविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स को मिला करती थीं और अनकॉविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स को सीनियर पोजीशंस नहीं बल्कि सबॉर्डिनेट पोजीशंस पे रखा जाता था बट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793, uh, 1793, इट वाज नॉट एक्सक्लूसिव दैट पोजीशंस शुड बी फिल्ड बाय कॉविनेंटेड सिविल सर्वेंट्स ये जब एक्ट आया था सेवनटीन में तो फिर ये चीज uh, रूल uh, के मुताबिक स्टैब्लिश uh, हो गई थी कि कॉविनेटिड सिविल सर्वेंट्स को ही एक्सक्लूसिव uh, उनके लिए हायर पोजीशंस रखी जाएं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की एक्टिविटीज बढ़ती चली गईं, तो ये ऑब्जर्व uh, करने में आया कि जो कॉविनेटिड सिविल सर्वेंट्स थे उनकी तादाद थोड़ी होती गई एक्टिविटीज बढ़ती चली गईं, लिहाजा अनकोविनेटेड सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको भी हायर पोजीशंस पे उनको भी जिम्मेदारी हायर पोजीशंस की दी जाने लगी लिहाजा ये जो डिस्टिंक्शन थी बिटवीन जो कंपनी ने स्टैब्लिश की थी कोविनेटेड और अनकॉविनेंटेड की डिस्टिंगशन थी वो आ, कुछ अर्से के बाद वो कुछ खत्म सी होने लगी लेकिन ये वर्ड कोविनेंटेड और अनकोविनेंटेड यानी जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है और जिन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया ये डिस्टिंगशन रही लेकिन एक्चुअली इट स्टार्टेड टू ब्लर कैनेडी के मुताबिक 1987 एटी

पेपर्स में इनकी वजाहत थी लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इन ये इतनी कोई uh, इसके ऊपर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं थे दे दे बी द टू कॉनेटिड एंड द अनकाविनेटिड सर्विसेज कुड बी इंटरचेंज्ड